वर्तमान सरकार ने स्थानीय नीति का कौन सा हस्त्र बनाया है, ये तो हमको समझ से परे लगता है। और अभी वो खुद खतियाने जोहार यात्रा कर रहे हैं। मैंने झारखंड की जनमानस की भावनाओं को उभार कर झूठ के बुनियाद पर जनता को गुमराह करने का जो इन्होंने शुरुआत की है, इस राजनीतिक माहौल में पार्टी ने निर्णय लिया कि अप्रैल माह सामाजिक न्याय माह के रूप में मनाएंगे और इस दौरान 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अलग अलग महापुरुषों की जयंती और शहादत दिवस के अवसर पर, जो इस झारखंड के माटी के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है, हम उनको याद भी करेंगे और कार्यक्रम आयोजित करेंगे। 5 अप्रैल को रघुनाथ महतो के शहादत दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी जिला विधानसभा और प्रखंड स्तर पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, शहादत दिवस के अवसर पर उनको नमन करेंगे और उनके संघर्ष को गति देने का संकल्प भी लेंगे। 11 अप्रैल को सिद्धू कानू जयंती के अवसर पर हुल क्रांति को याद करेंगे और सिद्धू कानू के शहादत का, उनके कुर्बानी का मकसद क्या था, इसको जनता को बताएंगे। 13 अप्रैल को जिला स्तरीय सामाजिक न्याय, पूरे प्रदेश के 2400 जिला में सामाजिक न्याय मार्च, क्योंकि वर्तमान सरकार ने स्पष्ट किया था कि हम यहाँ जाति आधार पर आरक्षण सुनिश्चित करेंगे। इन्होंने विधानसभा में भी प्रस्ताव पारित किया, लेकिन पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जब तक जातीय जनगणना नहीं किया जाता है, तब तक आप आरक्षण का मानक या मापदंड किस आधार पर आप आरक्षण देंगे। तो हमारा मांग है कि जातीय जनगणना हो, नियोजन स्थानीय नीति के आधार पर हो, लेकिन ना तो यहाँ स्थानीय नीति बना है और ना ही जातीय जनगणना हुआ है, लेकिन आप घोषणाएं कर रहे हैं आप कितना बहाली करेंगे, किनकी किनका बहाली करेंगे। ये युवाओं के अंदर में इसको लेकर के काफ़ी आक्रोश है। सरना धर्म कोड की मांग चलती रही है, ये भी मामला अधर में लटका है। बेरोजगार का फौज पूरे झारखंड में बदल रहा है, अभी तक जो संख्या है अंगुली में गिन सकते हैं, उतने ही बहाली कर पाए। झारखंड के संसाधनों का लूट जिस तरह से है, जो अभी हमने कहा कि लूट और झूठ की बुनियाद पर ये सरकार टिकी है, कई एक जगह पर एक पहले आप जनता के द्वारा मंत्री तक जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उसी चीज़ को दर्शाता है। आज तक झारखंड आंदोलनकारियों को भी सम्मान नहीं मिला। कि एक कई एक मुद्दे हैं जो उनके भी मुद्दे हैं। 1985 जब बना था तो पार्टी का, हमारा जाकर के देखेंगे कि मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन दिया, हमने पार्टी के तरफ से जो हमारी राय है हमने स्पष्ट रूप से कहा था। जयंती के बहाने 2024 की तैयारी नहीं है? हम लोग 2022 को संगठन के निर्माण और संघर्ष का वर्ष के रूप में घोषित किया। संगठन के निर्माण में हम पार्टी संगठन को पंचायत, प्रखंड, जिला, केंद्रीय स्तर पर सुदृढ़ कर रहे हैं। साथ ही साथ पंचायत से नीचे पिलर मेंबर होते हैं, जो हम लोग चूल्हा प्रमुख जिसको कहते हैं, चूल्हा प्रमुख तक
हम लोग पार्टी संगठन को विस्तार कर रहे हैं और इस बार के महाधिवेशन में 1,00,000 पदेन पदाधिकारी शिरकत करेंगे ये सुनिश्चित कर रहे हैं। तो इसको आप 2024 की तैयारी कहें, इसको आप संगठन का विस्तार कहें, या इसको आप पार्टी के आइडियोलॉजी को जन जन तक पहुंचाने का तरीका बोले, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी और आज ऐसे मुद्दे बहुत सारे लटक के हैं। तो हमको लगता है कि लड़ने वाला को दर्द होता है कि झारखंड को आज बहुत बेहतर झारखंड के रूप में होना चाहिए, जो इन छोटे छोटे मुद्दों को भी हल नहीं करने पा रही ऐसी सरकारें बन रही। जिस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, अब बनने के बाद धीरी क्यों थी उसको थोड़ा कागज़ को पढ़िएगा तो उसमें लिखा था कि यही हेमंत सोरेन जी लिखे थे, क्योंकि स्थानीय नीति तय नहीं हो रहा है इसलिए हम सरकार को गिराते हैं। तो गिराया और सोचा हम बनेंगे तो तुरंत बना देंगे, बन के 3 साल हो गया, क्या हुआ बताइए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।